पीएम मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन, आज डेनमार्क पहुंचेंगे पीएम, डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। देशभर में मनाया जा रहा ईद उल फितर का त्यौहार, हर साल हिजरी कैलेंडर के कारण बदलती है ईद की तारीख। उत्तराखंड और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों ने ईद की बधाई दी है, आज देशभर में मनाया जा रहा ईद का त्यौहार। ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी, ट्वीट में लिखा, ये त्यौहार समाज में भाईचारे और सद्भावना को मजबूत करने का अवसर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है, ट्वीट किया और लिखा कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए ये त्यौहार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी, मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा, ईद उल फितर का त्यौहार खुशी और मेल मिलाप का त्यौहार के, ये पर्व अमन चैन और सौहार्द लाता के संदेश देता है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की बधाई दी है, मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा, परशुराम जी के आदर्श विचारों का अनुसरण करें, बुराई का अंत करने का संकल्प लें। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बड़ा फैसला लिया, एचसीएस प्री का एग्जाम और डेंटल का एग्जाम भी रद्द किए जाने का फैसला लिया गया है। बढ़ती गर्मी के चलते हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 4 मई से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, अब सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे स्कूल। गृहमंत्री अनिल विज ने साधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा कांग्रेस का पंजाब वाला हाल हरियाणा में होगा, आम आदमी पार्टी को एक झूठी पार्टी करार दिया। वहीं कुरुक्षेत्र में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इंसानियत की मिसाल पेश की, सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बिजली संकट को लेकर उठाए जा रहे रणदीप सुरजेवाला के सवालों का जवाब दिया के, हरियाणा कांग्रेस की नई टीम पर भी साधा निशाना। दूर नहीं हो रही कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल की कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर, कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर अड़े। हरियाणा के कई हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन, अलग अलग जिलों में डीसी को सौंपा ज्ञापन, मुआवजे समेत कई मांगों को उठाया गया। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को बड़ी जिम्मेदारी, पीएम के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं कपूर, हिमाचल प्रदेश काडर के हैं तरुण कपूर। चुनावी मोड में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, शाहपुर दौरे के दौरान जनता के बीच पहुंचे सीएम, अपनी सरकार की योजनाओं का बखान किया। सोलन में हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हुंकार भरी, प्रतिभा सिंह का बीजेपी पर सियासी वार, संगठन बदलाव को लेकर कही बड़ी बात, जरूरत हुई तो संगठन में फेरबदल भी संभव है। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर का बीजेपी पर आरोप, बीजेपी नेताओं पर गरीब जनता से भेदभाव के आरोप लगाए, नैना देवी क्षेत्र में चल रहे रेलवे के कार्य पर उठाए सवाल। कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के विवादित बोल, अपने संबोधन के दौरान मंत्री पर साधा निशाना, दिया बड़ा बयान। बिलासपुर में धूं धूं कर जल रहे जंगल, करीब 12 जंगल जलकर हुए राख, आग बुझाने के लिए वन विभाग के पास नहीं है आधुनिक सुविधा। आज से शुरू होगी चारधाम यात्रा, सीएम धावी ने मेडिकल टीम को किया रवाना, पूरी यात्रा के दौरान मौजूद रहेगी मेडिकल टीम। चारधाम यात्रा को लेकर बोले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, यात्रा के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी की हैं, सभी विभागों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी, सीएम योगी के दौरे को लेकर बोले सीएम धामी, भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। और उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में नए सत्र से नई शिक्षा नीति की होगी शुरुआत, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की ओर से दी गई जानकारी, सभी विश्वविद्यालयों में लागू की जाए नई शिक्षा नीति। और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन मार्ग पर मलबा आने से आवाजाही प्रभावित हुई है, बिरखी और कोडिया के बीच मार्ग अवरुद्ध हो गया है।